बहरहाल प्रयागराज की हम बात करते हैं, जहां पर माफिया अतीक से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज में पुलिस में ही अतीक का एक मददगार निकला है। उर्दू अनुवादक मुनव्वर खान मदद कर रहा था। पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। मुनव्वर खान को अतीक का मददगार बताया गया है। पुलिस के एक्शन की मुखबिरी करता था। हलफनामे में पुलिस कमिश्नर ने चिंता भी जताई है। उमेश हत्याकांड की वेचना लीक होने का खतरा है। मुनव्वर का प्रयागराज से हाथरस तबादला हुआ था और ट्रांसफर को मुनव्वर ने हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। तो ये आपको बता दें, मुनव्वर ने ट्रांसफर को चुनौती भी दी थी और पुलिस महकमे में ही एक मददगार जो है वो अतीक का निकला है। मुनव्वर जो कि अनुवादक था, उर्दू अनुवादक था, और ऐसे में वो अतीक की मदद किया करता था, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, एक्शन भी हुआ है, उसका ट्रांसफर भी कर दिया गया था। और इसी ट्रांसफर को लेकर उसने अर्जी भी लगाई थी, याचिका भी लगाई थी कोर्ट में। गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, चीजें बहुत सी सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें एक अनुवादक जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि मददगार था, याचिका लगाई गई थी, इस केस में आगे क्या कुछ चल रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है, करीब अप्रैल महीने में ट्रांसफर हुआ था। उर्दू अनुवादक जो है मुनव्वर खान नाम था, प्रयागराज के पुलिस ऑफिस में इसकी तैनाती थी। इस पर एलिगेशन ये थे कि ये माफिया अतीक अहमद गिरोह के लिए तमाम जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं पुलिस की, उसको ये उन तक पहुंचा रहा था। एक तरीके से पुलिस की लिए एक तरीके से ये सिरदर्द था। ऐसे में इसका गैर जनपद हाथरस जो है पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर इसको ट्रांसफर किया गया था। और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के जो उर्दू अनुवादक है मुनव्वर खान, इसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करके अपने स्थानांतरण जो आदेश था सीपी का, उसको इसने चैलेंज किया, चुनौती दी। इसने कहा कि गैर जरूरी गैर जिम्मेदारी से ये पूरा उसका ट्रांसफर किया गया है, इसमें उसको वापस प्रयागराज जनपद से जोड़ा जाए। इस पूरे मामले के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा था कि आखिर किस आधार पर ट्रांसफर किया गया है। तो जिस जो जवाब आया है पुलिस कमिश्नर का, उसमें सीधे तौर पर उनका हलफनामा है। उस हलफनामे में उनके तरफ से ये कहा गया है कि ये माफिया अतीक गिरोह के लिए काम कर रहा था, तमाम जो पुलिस विभाग की गोपनीय सूचनाएं होती हैं उसको लीक कर रहा था। साथ में जो बीते दिनों 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसकी विवेचना की भी जो तमाम सूचनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं से गोपनीय सूचनाओं को ये माफिया गिरोह तक पहुंचा रहा था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने अपने हलफनामे में दिया और इसी को उन्होंने स्थानांतरण का जो पूरा जो आदेश है ये बातें जो है अपने हलफनामे में बताई है। तो ऐसे में ये अब साफ हो गया है कि इस पूरे मामले में कोर्ट नतीजा, कोर्ट किस आदेश पर पहुंचेगी, नतीजे पर पहुंचेगी, ये अभी बात का विषय है। लेकिन माफिया के जो तार थे वो निश्चित तौर पर पुलिस महकमे से भी जुड़े थे। बिल्कुल, यानी कि ये तार जुड़ते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका गुफरान, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।